श्रद्धा चैनल के समस्त दर्शकों को श्रद्धा पूर्वक नमन, हार्दिक वंदन, अभिनंदन। प्रतिदिन वेदवाणी कार्यक्रम में एक नया वेद मंत्र एक नए विषय के साथ लेकर के आपके बीच में उपस्थित होता हूँ और प्रयास रहता है, गर्म लोहा पीट ठंडा पीटने को वक्त बहुत तेरा पड़ा है, किसी सामयिक समस्या पर ही आपके बीच में चर्चा की जाए। और हम लोग अपने जीवन में हमारी संगत कैसी हो इस पर हम बहुत चिंतित रहते हैं। अपनी संगत की तो कम परवाह करते हैं, लेकिन हम परवाह करते हैं, अरे मेरी पत्नी कैसी औरतों के बीच में रहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह उन औरतों से कुछ ऐसा सीख करके आए जिससे हमारे संबंध खराब हो जाएं, या औरतें वो वाचाल तो नहीं है, या अपने घर में कुछ क्लेश करने वाली, विघ्न पैदा करने वाली, झगड़ालू प्रवृत्ति की औरतों के साथ तो नहीं रहती। अगर उनके साथ रहती है तो वह भी झगड़ा करना सीख जाती है। बच्चों की संगत के बारे में तो हम विशेष चिंतित रहते हैं कि बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, पढ़ने वाले, परिश्रमी, ईमानदार और बहुत सौम्य प्रवृत्ति के बच्चे हों, उनके साथ रहे। कहीं बच्चा ऐसा तो नहीं कुछ नशेड़ियों की संगत में आ जाए और नशा करने लगे, या कुछ बुरी आदतें अन्य अपने साथियों के साथ सीख जाए। तो ये जो विषय रहता है, ये बहुत चिंता का विषय हम सभी के लिए रहता है कि हमारी संगत कैसी हो। और आज का जो मैं विषय लेने जा रहा हूं वह भी यही है कि बुरी संगत मत रख, बुरी संगत बुरी ही होती है। और इस विषय पर एक ऐसा वेद मंत्र जो तीन वेदों में आया है, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इससे पूर्व मैं उस वेद मंत्र को लूं, मैं एक बात और आपको बतलाना चाहता हूं जो मेरे साथ घटी। वह ये कि मैं घर पर बैठा कुछ स्वाध्याय कर रहा था और अचानक मैंने आवाज सुनी कि गली में एक सड़क पर एक रेड़ी वाला कुछ फल आदि बेच रहा था, उसने आवाज लगाई संग तरे। मैंने समझ तो मैं गया कि ये संतरे की बात कर रहा है, लेकिन मुझे संग तरे सुनाई दिया तो मुझे लगा कि ये कितनी कूड़ बात, कितने सिद्धांत की बात ये कह गया एक साधारण सी भाषा में, कि जैसी संगत होगी वैसा ही हम तर पाएंगे। यदि संगत अच्छी होगी तो निश्चित रूप से हम तर जाएंगे, भवसागर पार उतर जाएंगे, और संगत बुरी होगी तो हम उसी के साथ डूब जाएंगे। इसीलिए कहा बुरी संगत बुरी, बुरी संगत मत रख। और इसी विषय को लेकर के तीन वेदों में आने वाला वेद मंत्र आपके बीच में आज रखता हूं, जो ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में आया है। पहले वेद मंत्र और फिर उसका अर्थ लेता हूं। मा त्वा मूरा अविश्यवो मोपहस्वान आदभन माकीं ब्रह्म द्विशो वन्हा। अर्थात हे मेरे मन आत्मन, त्वा तुझे, मूरहा मूढ़, अविश्यवः अपनी पालना चाहने वाले स्वार्थ पीड़ित स्वार्थी अहंकारी लोग भी ना दभन दबा ना दें, नष्ट ना करें, मत दबा दें, मत नष्ट करें, और उपहस्वान्हा उपहास करने वाले, मजाक उड़ाने वाले, ठट्ठा करने वाले, और मेरी कमजोरियों का को सार्वजनिक करके मुझे और कमजोर कर देने वाले माँ मत दबा दें। तू ब्रह्म द्विषा ज्ञान व परमेश्वर से प्रीति ना रखने वाले मनुष्यों की माकीम वन्हा संगति मत कर। अर्थात इस वेद मंत्र में निषेध किया गया कि हे मनुष्य, तू कैसा कर ऐसे स्वार्थी लोगों से
जो केवल अपना ही लाभ चाहते हो, केवल अपना ही भला चाहते हो, जो स्वार्थ से पीड़ित हो, ऐसे स्वार्थी लोगों की संगत मत कर, वह संगत बुरी है और बुरी संगत बुरी होती है और हम पर उलट प्रभाव डालती है। इसीलिए कहा कि ऐसे स्वार्थी लोग मां धवन मत दबा दें, मुझे नष्ट ना करें। और क्या कहा, उपहस्वानहा, मेरा उपहास करने वाले, मजाक उड़ाने वाले लोग भी मां मुझे दबा ना दें। और कहा, तू ब्रह्म द्विषः, ज्ञान व परमेश्वर से प्रीति ना रखने वाले मनुष्यों की माकीम वन्हा संगति मत कर। अर्थात मुझे जीवन में स्वार्थी लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, जो केवल अपनी ही पालना पर, अपने ही लाभ का ध्यान देते हों, वह जीवन में कभी मेरा भला नहीं कर सकते। और यदि कभी मैं जब जीवन में कोई अच्छे कार्य करने के लिए, आत्म सुधार के लिए, आत्म अवलोकन करते हुए अग्रसर होता हूं, तो ये स्वार्थी लोग जो मुझे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, मुझसे द्वेष करने लगते हैं, वह अपने दुख से दुखी नहीं होते, अपितु मेरा सुख देखकर वह दुखी हो जाया करते हैं। ऐसे लोगों से मैं दूरी बना कर के रखूं, क्योंकि वह मेरे मार्ग में केवल कांटे ही बोते हैं, बाधाएं ही पैदा करते हैं, पत्थर या अवरोधक ही लगाया करते हैं, ताकि मैं अपने जीवन में आत्म सुधार करता हुआ श्रेय पथ पर, धर्म पथ पर, सत्य पथ पर, योग पथ पर चलता हुआ जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब अग्रसर होता हूं, तो ऐसे स्वार्थी लोग, ऐसे तामसिक प्रवृत्ति के लोग मेरा सुख देखकर दुखी हो जाते हैं। और जिन्हें पर पीड़ा में ही सुख का अनुभव होता है और दूसरों को सुखी देखकर दुखी होते हैं, वह दूसरों के मार्ग में अवरोधक ही लगाया करते हैं। और इस वेद मंत्र में कहा, ऐसे बुरे लोगों की संगत मैं कभी ना रखूं, बुरे लोगों की संगत बुरी होती है। और साथ ही कहा, जब मैं आत्म सुधार करने के लिए अग्रसर होता हूं, तो ऐसे लोग मेरा उपहास उड़ाते हैं, मेरा मजाक करते हैं, और मेरा मजाक करते हुए मुझे मेरे पथ से विचलित कर देने का एक प्रयास करते हैं। मैं कभी उनके उपहास पर ध्यान ना दूं, अपितु उनके द्वारा किए गए इस ठट्ठे को, इस मजाक को, इस उपहास को अनसुना कर दूं, अनदेखा कर दूं। और यदि फिर भी उनके द्वारा किए गए सार्वजनिक उपहास का प्रभाव यदि मेरे उस कार्य पर, मेरे आत्म सुधार पर पड़ता है, तो मैं बुरी संगत बुरी होती है, बुरी संगत मत रख, ऐसा प्रयोजन जानते हुए इस वेद मंत्र का, ऐसे लोगों के निकट ना रहूं, ऐसे लोगों से दूरी बना लूं और अपने आत्म सुधार में ही लगा रहूं। इसके अतिरिक्त एक अन्य बात और एक व्यापक करते हुए इस पूरे मंत्र के अर्थ को, कि मैं उन सभी लोगों के निकट ना रहूं जो ब्रह्म द्वेषी की श्रेणी में आते हैं। ब्रह्म द्वेषी अर्थात जो परमात्मा
और परमात्मा द्वारा प्रदत्त ज्ञान से प्रीति नहीं रखते हैं, मैं उनसे दूरी बना करके रखूं, क्योंकि वह ज्ञान का स्रोत तो केवल परम पिता परमेश्वर हैं, क्योंकि वही सर्वज्ञ हैं और सर्वज्ञ होने के नाते वह सब कुछ जानते हैं। मैं यदि सत्य ज्ञान यदि किसी से प्राप्त कर सकता हूं तो वह केवल और केवल सत्य स्वरूप परम पिता परमेश्वर से प्राप्त कर सकता हूं, और वेद ही केवल सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का ही पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना हमारा परम धर्म है, और जो मनुष्य परमात्मा या परमात्मा द्वारा प्रदत्त ज्ञान से प्रीति ना रखें, मैं उनसे भी प्रीति ना रखूं और उनसे दूरी बना करके रखूं, क्योंकि ऐसे ब्रह्म द्वेषी बुरे लोग होते हैं, तामसिक प्रकृति के लोग होते हैं, और ऐसी संगत बुरी ही होती है, और बुरे लोगों से संगत मत रख, ऐसा इस वेद मंत्र में स्पष्ट रूप से आदेश दिया। तो अब मैं कुछ सूक्त वाक्यों में इस मंत्र का भावार्थ देता हूं और उसके बाद एक भजन दूंगा छोटा सा। जब मनुष्य आत्म सुधार के लिए अग्रसर होता है तो कई विरोधी, विरोधी नहीं भी हो, आपको आगे बढ़ता देख करके वो स्वतः विरोध के लिए तत्पर हो जाते हैं, ऐसे विरोधी। जब मनुष्य आत्म सुधार के लिए अग्रसर होता है तो कई विरोधी और उनकी शक्तियां उसका विरोध करती अज्ञानतावश, क्योंकि उन्हें तो परमात्मा और परमात्मा के ज्ञान से कोई प्रीति नहीं है, इसीलिए अपनी अज्ञानतावश अवरोध पैदा करती हैं। जिनके स्वार्थ को हमारे इस आत्म सुधार से धक्का लगता है वह रोड़े अटकाते हैं, अवरोध पैदा करते हैं, मार्ग में कांटे उगा देते हैं, ताकि हम उस सुधार के पथ पर जो कि श्रेय पथ है, सत्य पथ है, धर्म पथ है, उस पर ना चल पाए। अटकाएंगे, कष्ट देंगे, लेकिन मुझे बिना इससे घबराए अपना आत्म सुधार निरंतर करते रहना है। ऐसे लोग हमारे इन निराले आत्म सुधार के कार्यों को देखकर खिल्ली भी उड़ाते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, पर इनसे बिना हतोत्साहित हुए, हमें इन्हें सहते हुए, बिना उद्विग्न हुए, बिना क्रोध लाए प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, और हमारे उनके इस विरोध के बावजूद प्रसन्न रहने से विरोधी परास्त हो जाते हैं। कुतर्क, हंसी, ठट्ठा, पीड़ा, कष्ट आदि से हर सुधारवादी को गुजरना पड़ता है, ऐसा जान मानकर मैं भी इनकी परवाह ना करूं। और अंत में जो एक सूक्त आता है इस पूरे मंत्र का भाव देते हुए, जो ज्ञान व परमेश्वर, परमेश्वर एवं परमेश्वर प्रदत्त वेद ज्ञान में प्रीति नहीं रखते, उनका सेवन मत कर, अर्थात उनकी संगति में मत रह, वह बुरे लोग हैं और बुरे लोगों की संगत बुरी होती है, बुरी संगत मत रख। आइए अब इसी भाव को एक भजन में लेकर के आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं। भजन दूं उससे पूर्व एक स्वरचित दोहा, संगति अच्छों की सदा जैसे हो सुगंध, गंदे कूड़े की तरह फैलाते दुर्गंध, अर्थात अच्छों की संगति सुगंध देती है और गंदों की संगति कूड़े की तरह दुर्गंध ही देती है। इसीलिए इस भजन में कहा, भले जनों का संग न छोड़ो जो चाहो सुख पाना, बड़े भाग्य से नर्तन पाया भूल उसे मत जाना,
पर निंदा से बचो हमेशा अपनी ओर निहारो, प्रातः काल में बैठ अकेले अंदर दृष्टि डारो, जो जो दोष पड़े जीवन में उनको दूर हटाना, भले जनों का संग न छोड़ो जो चाहो सुख पाना, बड़े भाग्य से नर्तन पाया भूल उसे मत जाना। आइए हम जीवन में संकल्प लें कि बुरी संगत बुरी होती है और हम बुरी संगत नहीं रखेंगे। जो लोग परमेश्वर और उसके प्रदत्त ज्ञान में प्रीति नहीं रखते, हम उनसे प्रीति नहीं रखेंगे, उनसे संगति नहीं रखेंगे। ओम इति शम।